हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। और गाइज, फाइनली जिसका इंतजार था हम सभी को, यानी पटना मरीन ड्राइव के इनॉग्रेशन का, उसकी डेट अनाउंस कर दी गई है। जी हां दोस्तों, 24 जून को इस गंगा पाथवे का उद्घाटन होने जा रहा है। तो आइए आज मैं आपको इस गंगा एक्सप्रेसवे के राइड पर लेकर चलूंगा। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि दीघा जेपी सेतु के पास हाइट गेज लगाने का काम किया जा रहा है, और मैंने आपको बताया भी था कि इसकी इनॉग्रेशन के डिले होने का मेन कारण यही है, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी राइड करके दिखा देता हूँ इस मरीन ड्राइव का। वैसे अभी मैं एन सिन्हा इंस्टीट्यूट गांधी मैदान के पास हूँ, आप तस्वीरों में देख सकते हो। तो चलिए आज यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं आप, अपना गंगा ड्राइव बिल्कुल तैयार हो गया है। बस अब 24 तारीख का इंतज़ार है और फिर ये एक्सप्रेसवे पटना वासियों को सौंप दी जाएगी, जो कि वाकई काफ़ी अच्छी खबर है। कई सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि शायद अभी इसका उद्घाटन नहीं हो पाएगा, पर लगता है सरकार मेरी सुन रही है। तो चलिए आगे चलते हैं और इसकी सारी अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो हमारे मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसका फेज़ वन का काम पूरा कर लिया गया है। और क्या खूबसूरत नज़ारा है ये। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ही बताया दिया था कि एक सप्ताह के अंदर इसका काम पूरा कर लिया जाएगा, तो वो सही भी साबित हुआ और 24 जून का डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। और गाइज, मैं आपको बता दूँ कि 24 जून को एक नहीं दो दो सौगातें मिलने जा रही हैं पटना वासियों को। पहला ये पटना गंगा ड्राइव और अटल पथ, और दूसरा अपना मीठापुर गया लाइन घूमती आरओबी, जिसका काम बहुत पहले ही कंप्लीट कर लिया गया था। बस इंतज़ार था तो इसके इनॉग्रेशन का, तो बस अब दो दिनों का इंतज़ार और करना है, फिर तो आप दीघा से पीएमसीएच या पीएमसीएच से दीघा 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो आइए आगे चलते हैं और मैं एलसीटी घाट के पास चल रहे काम का अपडेट भी दिखा देता हूँ। तो गाइज, ये रहा अपना एलसीटी घाट। और अगर आप पीएमसीएच या गांधी मैदान के साइड से आ रहे हैं, तो इस लेन से ही आप एलसीटी घाट के तरफ जा सकते हैं। वैसे इधर थोड़ी दूर ही रोड बनाने का काम बचा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ रेड स्टोन को बिछाना बाकी है और फिर इस पर ब्लैक टॉप का लेयर चढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। और गाइज, यहां से आप देख लीजिए रोड बनकर तैयार हो चुका है, बस एक फाइनल लेयर इस पर होना बाकी है। तो गाइज, एलसीटी घाट भी पीछे नहीं चल रहा है, बट हां, अभी इसे चालू नहीं किया जाएगा क्योंकि इसे पूरी तरह से कंप्लीट होने में 20 से 25 दिनों का समय अभी और लगने वाला है। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दीघा रोटरी के पास, जहाँ पर जेपी सेतु के सेफ्टी के लिए जो हाइट गेज लगाए जा रहे हैं, उसके काम को भी दिखा देता हूँ। तो गाइज, ये रहा सामने जेपी सेतु और ये देख लीजिए, ये रहा वो हाइट गेज जिसे यहाँ लगाया जा चुका है। और ये सच में बहुत ज़रूरी भी था, खास करके जेपी सेतु के लिए। अब यहाँ ओवरलोड गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगी, तस्वीरें आप देख सकते हो। तो गाइज, बस अब दो दिन का और वेट करना है, फिर 24 जून 2022 एक ऐतिहासिक दिन बन जाएगा पटना बिहार के लोगों के लिए। और अगर काम की बात करूं तो आप देख ही रहे हो, पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। एक्चुअली जो काम चल रहा था वो इधर का ही था, यानी हाइट गेज को लगाने का, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। तो गाइज, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे 24 जून को इसके इनॉग्रेशन वाले दिन, और उस दिन की पूरी अपडेट आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।